हेलो प्यारे बच्चों, आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है। आज आपका आगे का हिस्सा चैप्टर दो का डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में विभिन्न पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करना है। वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सबसे पहला पार्ट Various parts of elementary canal। तो सबसे पहले पार्ट जो आएगा, दैट इज द माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है, माउथ एंड बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। माउथ, चीक, टीथ, टंग, ये सब पार्ट्स जो जिस रीजन में मिलते हैं उस पूरे रीजन को हम बोलते हैं माउथ, आमतौर पर सिंपल सी भाषा में, ठीक है। माउथ में एक्चुअली दो प्रकार की कैविटियां पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कैविटी जो है वो है बक्कल कैविटी, ठीक है, जिसमें आपकी टंग और ऊपर का जो पैलेट होता है अर्थात तालू, मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रीजन आपका, मान लीजिए क्या है, ये सबसे ऊपर का हिस्सा जिसको तालू बोलते हैं और नीचे बेस है, इस बेस पर आपका ये जो है टंग है, क्या है, टंग, ठीक है। इस टंग और पायलट, जो ऊपर का तालू जिसको बोलते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। एक तरह से अगर देखा जाए तो माउथ में क्या क्या है, बक्कल कैविटी है, ठीक, दोनों साइड से चिक है, नीचे से स्किन है, ठीक है, और जांघ के द्वारा घिरा हुआ है, साइड से जाज में क्या पड़े हुए है, टीथ, ठीक। ये सब मिल करके हमारे माउथ का निर्माण करते हैं। बक्कल कैविटी में भोजन का हम लोग क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं, दांत से ग्राइंडिंग और चर्निंग का काम होता है, ठीक है, मीन्स पीसना, तो महत्वपूर्ण है टीथ, क्योंकि अगर भोजन पीसेगा नहीं तो पचना भी उसका आसान काम नहीं है। तो ये दांत जो टीथ है ये कितने प्रकार के हैं और इनका क्या उपयोग है, कैसे, मीन्स कौन सा टीथ कौन सा कार्य करता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा दिया गया है जो अगले पेज पर है, चलते हैं वहां पर देखते हैं। अगर आप देखें थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं जिससे आपको इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर हम फोकस करते हैं टीथ के लिए, चार प्रकार के टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं। इन चारों का नाम पहले एक बार जान लेते हैं, चारों के नाम, ठीक है। तो सबसे पहला जो टीथ है, दैट इज द इंसीजर। इंसीजर जो है बिल्कुल फ्रंट पे हमारे दिखाई देता है, चार टीथ जो होते हैं सामने के, ठीक है, इन चार टीथ्स को हम लोग बोलते हैं इंसीजर, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इंसीजर बोलते हैं। और इनका शेप अगर देखते हैं तो इनका शेप कैसा होता है, फ्लैट होता है, स्ट्रेट विद शार्प एजेज, जो एजेज होते हैं, किनारे होते हैं दांत के, वो बहुत ही सॉरी शार्प होते हैं और सीधे होते हैं। ये दांत क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक, इनसीजर है, फ्लैट होगा, स्ट्रेट होगा, जो बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर जो है वो कैसा होगा, बहुत ही शार्प एज वाला होगा। एज अगर शार्प होगा तो मीन्स जैसे चाकू का एज क्या होता है, शार्प होता है, इसी तरह से इसका किनारा जो है वो शार्प है, ठीक है। इसलिए शार्प होने के कारण ये किस काम आ सकता है भाई,
कटिंग के काम आएगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है कट और बाइट, किसी चीज को चबाना है उसको कट करना है, क्योंकि फ्लैट भी है अंतर का हिस्सा जो बीच का है, ठीक है। ये हिस्सा आप देखें क्या है, फ्लैट है और साइड में क्या है, इज है। अब ये एज जो है काफी शार्प एज है, जिसकी वजह से वो कट करना आसान होता है। तो कटिंग और बाइटिंग का काम कौन करता है, इंसीजर करता है हमारे टीथ में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहला टाइप का जो इंसीजर टीथ है, जिसकी पोजीशन क्या है, जस्ट फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ में सबसे आगे जो पाए जाते हैं, मीन्स ओरल कैविटी जो आपकी होगी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ठीक है ना। तो बक्कल कैविटी में जब देखेंगे, बक्कल कैविटी का ही दूसरा नाम ओरल कैविटी, तो फ्रंट में क्या मिलता है बेटा आपको, सबसे बड़े माने सब जो सबसे पहले टीथ दिखाई देते हैं, और उनकी संख्या चार है। उनकी संख्या क्या है, चार है। आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये चार टीथ क्या है आपके, इंसीजर हैं, जो कि फ्लैट स्ट्रेट होते हैं विस्तार पे। जस्ट लोकेशन इनका फ्रंट बताएंगे, फ्रंट ऑफ द माउथ या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कुछ भी बोल सकते हैं। इनका फंक्शन क्या बताएंगे, कट करते हैं ये, बाइट करते हैं। फूड की कटिंग और बाइटिंग का काम किसका है, इंसीजर का है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बाद दूसरा दांत जो देखिए बगल में सिचुएटेड है, दैट इज द कैनाइन, ठीक है। ये आपका क्या है, कैनाइन है। ये क्या है आपका, कैनाइन। तो कैनाइन की संख्या देखिए दो है मात्र, इसीलिए देखिए यहाँ पे इंसीजर की संख्या दिखाई गई है, क्या है, टोटल संख्या चार है। ऐसे कैनाइन की संख्या यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, दो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैनाइन संख्या में दो हैं, और इनकी खास विशेषता होती है बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, पॉइंटेड भी होते हैं। अगर ये शार्प हैं और पॉइंटेड हैं तो क्या होगा, शार्प और पॉइंटेड मीन्स बड़ा सीधा सा है कि धसा के किसी चीज को फाड़ने के काम आएगा। शार्प है और क्या है, पॉइंटेड है, मीन्स शार्प होने का मतलब बहुत ही तीक्ष्ण चाकू की तरह धारदार है और पॉइंटेड है, इस तरह से उभरा हुआ है। ये किसी चीज में धंसाया जा सकता है, अगर ये किसी चीज में धंसेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, हम धंसा के फाड़ सकते हैं। इसलिए इनका मेजर वर्क क्या हो जाता है, टीयर करना, फाड़ देना। होल्ड तो एक जगह पे दबा के फंसा लिया और फिर उसको क्या किया, फाड़ दिया। तो होल्ड एंड टीयर द फूड, ये किसका फंक्शन है, कैनाइन का फंक्शन है। जब कभी आप गन्ने को चीज चूसते हैं तो सबसे पहले ऊपर की जो स्किन कवर होती है उसकी, एपिडर्मिस होती है, उसको फाड़ करके आप अलग करते हैं। तो किस दांत से अलग करते हैं भाई, कैनाइन से अलग करते हैं, ठीक है। तो कैनाइन दूसरे टाइप का दांत है जिसकी संख्या दो होती है। जस्ट ये कहाँ पे होते हैं, जो आपका इंसीजर है, इंसीजर के बगल में होते हैं। इनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, इंसीजर के दोनों ही साइड में पाए जाते हैं, चाहे ऐसा कहें आप, या ऐसा भी कर सकते हैं बिटवीन द इंसीजर एंड। तीसरा ये टाइप आपका है प्रीमोलर, मींस हम ये भी कह सकते हैं, इसके पोजीशन की अगर बात की जाए तो सेम पोजीशन क्या हम बताएंगे, बिटवीन, बिटवीन किसके बिटवीन में है भाई, एक तरफ क्या है इंसीजर, इंसीजर को आई से लिख रहे हैं इंसीजर, और दूसरी तरफ क्या है प्रीमोलर है, ठीक है। प्रीमोलर को हम पीएम से शो कर रहे हैं। तो मोलर सॉरी प्रीमोलर और इंसीजर के बीच में कौन है आपका, कैनाइन है। ए पोजीशन अगर इस तरह से भी लिखना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, या ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, इंसीजर के दोनों ही साइड में ये पाए जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, दो मात्र होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहां तक हो गया, इसके बाद अब आएगा प्रीमोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर ये दो दांत हैं एक साइड में, ऐसे ही टू टीथ इधर भी हैं, तो ये टोटल मिला के संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी प्रीमोलर की संख्या। इनकी जो पोजीशन सॉरी जो शेप होता है, ये हिल लाइक प्रोजेक्शन शो करते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, हिल लाइक प्रोजेक्शन मींस कुछ इस तरह से सरफेस होगा, ठीक, मींस यहां पर हिल लाइक, अब बीच में कुछ जगहों पर गड्ढे दिखाई देंगे, और जो हिल लाइक पोजीशन होगा, जो उभरा हुआ हिस्सा है, कस्प कहलाता है। क्या कहलाएगा, कस्प,
ठीक है। हाँ कुछ हैंग सी कर रही है, थोड़ा समस्या है, लेकिन बस 2 मिनट में वर्क करने लगेगा। आइए देखते हैं फिर से। ये हिल लाइक जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कस्प, ठीक है ना। ये कस्प है, उभार। तो इस तरह के उभार रिजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। मीन्स हिल लाइक प्रोजेक्शन उभार होता है कस्प ऑन सरफेस, ठीक है। इस उभार को हम क्या नाम देते हैं, कस्प नाम देते हैं। इसके सरफेस पर कस्प या हिल लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। पोजीशन की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, कैनाइन आ गया है बीच में, कैनाइन के बाद है, नेक्स्ट टू कैनाइन कह सकते हैं, नेक्स्ट टू कैनाइन कह सकते हैं, या कह सकते हैं बिटवीन कैनाइन एंड मोलर, क्योंकि इसके बाद मोलर है। देखिए ये लास्ट में क्या है, तीन ये मोलर है, ये तीन आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहां से यहां तक, ये क्या है, मोलर है। ये तीन इधर के साइड में मोलर है, ठीक है। इनके बीच में आप जो क्रॉस किया हुआ देख रहे हैं, ये दो क्या है आपके, ये दो जो क्रॉस कर रहे हैं, ये दो दो दोनों साइडों में मिला के 4 की संख्या हो गई। ये प्री मोलर है, इनकी पोजिशन क्या हो गई, एक तो कैनाइन और दूसरी तरफ से मोलर। मोलर और कैनाइन के बीच में इनकी पोजीशन है, तो बिटवीन कैनाइन एंड मोलर, ठीक, या नेक्स्ट टू कैनाइन कह सकते हैं, कैनाइन के बाद, क्योंकि इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं तो कैनाइन के बाद इनकी इनका नंबर आएगा। तभी तक आपको तीन टीथ के बारे में पता चला, एक है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्री मोलर, और लास्ट में जिसकी संख्या सर्वाधिक होती है दैट इज द मोलर। इनकी संख्या कितनी होती है, 6, ठीक है। इनका जो टेप है लगभग कुछ मोलर की तरह ही, सॉरी प्री मोलर की तरह ही होता है। ये भी क्या होते हैं, कस्पिड होते हैं। कस्पिड माने क्या हो गया, हिल लाइक प्रोजेक्शन, उभार होता है, एंड ब्रॉड एजेस, और एजेस जो हैं ये काफी चौड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये काफी चौड़े एजेस वाले होते हैं, ब्रॉड एजेस रखते हैं। लोकेशन क्या होता है, लास्ट थ्री टीथ जो सबसे अंत में पाए जाने वाले तीन तीन टीथ है, हर साइड में तीन होगा ना, एक इधर 3 टीथ, एक इधर 3 टीथ। तो पूरे जो दांत हैं, एक जबड़े का, नीचे के जबड़े को हमने क्या किया, आधे पर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आधे पर से हमने इसको डिवाइड किया तो आधा इधर हो गया, ठीक। इसमें क्या है, टीथ बट गए, 3 इस साइड में आ गया, 3 इस साइड में, लेकिन टोटल संख्या क्या होगी, 6 ही होगी बेटा, ठीक है। टोटल संख्या क्या होगी, 6 ही होगी, आधा इधर और आधा इधर बट गया। इसमें 6 क्या होंगे, टोटल संख्या आ जाएगी, 3 3 मोलर है दोनों साइड में, हाफ साइड में। इसी तरह से यहाँ भी 4 की संख्या, ये 2 2 हो गई थी किसी इंसीजर की। कैनाइन की संख्या की बात करेंगे, हर हाफ में 1 1 हो जाएगी, ठीक है। और प्री मोलर की बात करेंगे तो हर हाफ में क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनका ये फंक्शन हो गया। ये जो आपकी टेबल 2 है, इसको आप इसके सहायता से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो किसका काम क्या है, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, लोअर जा में अपर जा में टोटल कितना बनता है। वही लोअर जा एक आप ले रहे हैं, लोअर जा का ही वर्णन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 6, जैसे 6 मोलर का आपने एग्जाम्पल लिया, 6 मोलर हैं, तो 6 ही क्या हो जाएंगे, ऊपरी टीथ में माने ऊपरी जबड़े में भी 6 ही मिलेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 6 6 12, मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो टीथ है मोलर की, वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी क्या, ये जो 6 4 2 4 दिखाया है, ये सिर्फ हाफ का दिखाया है, ठीक है ना, ये आधे का शो हो रहा है, इसलिए इन सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 से, क्योंकि आधा जस्ट क्या है, नीचे है, और आधा ही जस्ट ऊपरे जबड़े में है, ठीक है। तो मोलर की संख्या, टोटल संख्या अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ऊपर नीचे दोनों को मिला करके 12 हो जाएगी। ऐसे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों जबड़ों में मिला करके 4 हो जाएगी। और इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी बेटा,
आठ हो जाएगी, ये टोटल संख्या आ जाएगी। अब काउंट करके देखोगे टोटल संख्या 32 आएगी, ठीक है। इसका मतलब निचले जबड़े में 16 होना चाहिए। और ये काउंट करके दिखा देते हैं, 4 2 8 8 4 12 12 6 18। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या संख्या काउंटिंग में यार? 4 2 6 6 4 10, हाँ 10 6 16, 16 2 32, ठीक है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 32 होते हैं, 32 होते हैं, जिसमें से 16 निचले जबड़े में होते हैं और 16 ऊपरी जबड़े में होते हैं। 16 16 संख्या में पाए जाते हैं। और सबकी संख्या भी आपको मालूम चल चुकी है, इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि हमारा इस बक्कल कैविटी में क्या क्या और घटनाएं होती है, ठीक है। डाइजेशन क्या कुछ होता है, डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब आपको पहले ही बताया था, छोटे छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, हमारी बक्कल कैविटी में कई तरह के सिक्रीशंस आते हैं, दो तरह के विशेष रूप से बता सकते हैं। एक सैलाइवा से आता है, सैलाइवरी ग्लैंड होता है उससे क्या आता है, सैलाइवा आता है। दूसरा क्या आता है, म्यूकस ग्लैंड होती है उनसे क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। दो तरह के सिक्रीशन विशेष रूप से हमारे माउथ में आते हैं। इसमें आमतौर पर जो सिक्रीशन है सैलाइवा में, एक एंजाइम पाया जाता है जो फूड का डाइजेशन करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन, ये याद रखिएगा, टाइलिन, ठीक है। या इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं, टाइलिन का दूसरा नाम सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसलिए कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज और भी कई जगहों से सिक्रीट होता है, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। तो सैलिवरी एमाइलेज हो या टाइलिन जो इसका दूसरा नाम है, ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट ओरिजिन का होता है, प्लांट में जो शुगर फूड के रूप में कलेक्ट किया जाता है स्टार्च फॉर्म में होता है, और ये स्टार्च जो है डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। यही कारण है कि अक्सर जब हम फूड को चबाते हैं तो माउथ में हमारा मीठा टेस्ट आता है। बहुत सारी चीजें जब चबाते हैं, बहुत देर तक भोजन को चबा लिया जाए चाहे जिस टेस्ट का हो, बाद में उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है और ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, मीठा होता है, ठीक। तो उसी पर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि एक में जो है सैलाइवरी एमाइलेज मिला करके फूड जो चावल है, चावल में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च मिलता है, इसलिए चावल को लिया गया, चावल को उबाल करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया, उसमें माउथ में चबा करके खूब अच्छे से जब उसकी लुगदी बन जाती है तब उसको उसमें डाला जाता है, ठीक है। और एक में क्या करते हैं, सीधा खड़ा चावल डाल देते हैं और फिर उसमें मिलाया जाता है आयोडीन, क्या मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं, ये देखिए क्या है यहाँ पर, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल देते हैं। दो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी, तो जब इसमें एमाइलेज मिल जाता है अर्थात सैलाइवा मिलाते हैं, तो सैलाइवा में क्या एमाइलेज है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, फूड को खूब मैश किया है, चबा करके उसको लुगदी बनाई है, तब इसमें डाला है, इसका परिणाम क्या होगा, भोजन इजिली क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, बेटा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाता है। और लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इसमें एमाइलेज नहीं मिला हुआ है, अर्थात इसमें सैलाइवा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो डाइजेशन, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार का ग्लूकोज नहीं है। और जब ग्लूकोज यहाँ पर नहीं है तो डाइजेशन नहीं शो हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है ये सिर्फ ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ, ऐसे समझ लीजिए सिंपल में, जबकि एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, जो चेंज हो जाता है कलर में, ठीक है। आइए देखते हैं, पढ़ के पूरा समझ लिया जाए एक बार।
take two test tube, label them A and B. Tube A, put one teaspoonful boiled rice. एक में क्या किया आपने, boiled rice. Test tube A, put one teaspoonful of boiled rice in test tube. B, keep one teaspoonful boiled rice. After chewing 3 to 5 minutes, add 3 to 4 ml water. Water डालिए और साथ में आयोडीन सोल्यूशन डालिए और फिर रिजल्ट आप क्या देखेंगे. हाँ यहाँ पे सॉरी ये वाला था जिसमें सिर्फ ए है ना, ए में हमने क्या डाला था, सिर्फ राइस डाला था, ठीक है ना. इसमें किसी भी प्रकार का एमाइलेज नहीं है बेटा, ठीक है, एमाइलेज नहीं है. यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है इस वाले में, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे फिगर उलट दिए थे. यहाँ पर ग्लूकोज बन गया है, यहाँ पर क्या बन गया है बेटा, ग्लूकोज बन गया. यहाँ पर क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया. और क्योंकि जो हमारा आयोडीन है ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करके, स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है. कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है. तो क्या होता है, जब स्टार्च जहाँ अवेलेबल होगा वहां पर ब्लू कलर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू कलर आ गया. और यहाँ पर रिएक्शन हो गया था, यहाँ पर ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज के साथ आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है, आयोडीन रिएक्शन नहीं शो करता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कलर में चेंज नहीं हुआ, ठीक है. आइए स्वीट्स एंड टूथ डिके घटना है, चलिए इसको भी देख लिया जाए क्या है इसमें. Normally bacteria are present on our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, ठीक है, जब हम अपना माउथ भोजन करने के बाद साफ नहीं करते हैं तो many harmful bacteria also begin to live and grow in it. क्यों grow करने लगते हैं, क्योंकि जो food आप लेते हैं उसमें बहुत सारे bacteria आए होते हैं बाहर से, और वो क्योंकि जब माउथ से होकर के अंदर चले जाते हैं तो डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, तो उनका कोई हार्म आमतौर पर नहीं होता है. लेकिन जब वो हमारे माउथ में रह गए और टीथ के ऊपर रह जाते हैं तो यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, एसिड सिक्रीट करने लगते हैं. देखिए ये ग्रेजुअली क्या करते हैं, एसिड का सिक्रीशन करते हैं. उसके कारण क्या होगा, एसिड जो है रिएक्ट करता है. वैसे भी कहीं भी एसिड आप डाल देते हैं तो वहां चीजें जल जाती हैं, तो क्या हुआ, दांत आपका क्या होता है, धीरे धीरे डिके करने लगता है, टूथ डिके होने लगता है और वहां पर खाली जगहें बनने लगती हैं. जैसे ये देखिए यहाँ पे शुरुआत हुई, धीरे धीरे डिके और बढ़ा और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा दांत ही इतनी दूर गायब हो गया, ठीक है. वैसे क्या होगा, टूथ लॉस होता जाएगा और टूथ हमारा बेकार हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, फिर वो काम के लायक नहीं रहता और फिर बहुत तेजी से दर्द और समस्याएं बढ़ने लगती हैं. और ऐसी शिकायत तब ज्यादा आती है जब हम मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शुगर प्रोडक्ट्स आप बहुत लेते हैं और मुंह को साफ नहीं करते हैं, तब ऐसी दिक्कतें ज्यादा आने लगती हैं, ठीक है. इसलिए आप जब भी भोजन करें अपने माउथ को अच्छे से साफ करें तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आएंगे. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस भविष्य में आपके दांत के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है. बक्कल कैविटी में ही एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टंग. तो टंग के कार्य क्या है, आइए जरा इसको पर भी नजर डालते हैं. सबसे पहली चीज तो टंग पर हमारे क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं. ये महत्वपूर्ण चीज जानी है, हमारे टंग पर क्या मिलता है, टेस्ट बड मिलते हैं, जिसकी वजह से जो भोजन हम लोग लेते हैं उस भोजन का स्वाद क्या है वो पता चलता है. और अलग अलग टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड होते हैं वो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं. सबसे खास बात होती है जैसे सबसे टॉप पर आगे की तरफ ये रीजन आप देख रहे हैं जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये रीजन क्या होता है, स्वीट. यहाँ पर क्या पता चलता है, स्वीट का पता चलता है. ऐसे ही स्वीट के जस्ट बगल में देखिए, दोनों ही साइड में, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, हरे कलर में आ गया,
ये रीजन जो है साल्टीन, जो नमकीन चीजें होती हैं, उस टेस्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? इस जगह पर जो पोजीशन टेस्ट बर्ड होते हैं वो साल्ट को क्या करते हैं, रिसेप्ट कर पाते हैं, जान पाते हैं, जिसके कारण हमको पता चलता है कि खाने वाली चीज नमकीन है, खाने वाली चीज मीठी है। इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें, ये आप जो देख रहे हैं ये साइट है सोर, मीन्स खट्टी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए। तो खट्टी चीज कभी भी अगर खाते हैं, सिर्फ आगे के हिस्से में टच करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा खट्टी है क्या है, क्योंकि खट्टी चीज कहाँ पे पता चलने वाली, जब तक वो आगे यहाँ से बढ़ करके रिस करके यहाँ पे नहीं पहुंचेगी तब तक आपको पता नहीं चलना है हमने जो चीज खाई वो खट्टी है या कैसी है। ठीक है, खट्टी है ये यहाँ पे पहुंचेगा तभी पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड उसको नहीं बता सकते, ऐसे ये वर्ड आपके स्वीट टेस्ट को नहीं बता सकता, ये वर्ड आपके स्वीट टेस्ट को नहीं बता सकता, और ये सब दोनों साल्ट टेस्ट को नहीं बता सकते। इस तरह से हर टेस्ट के लिए अलग अलग प्रकार की क्या है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और टंग के कई और अतिरिक्त वर्क भी हैं। ठीक है, आइए उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। टेस्ट के और अतिरिक्त वर्क क्या है? थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे। चलिए ऐसे ही बताते हैं आपको टेस्ट के और टंग के और क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य अगर हम देखें तो सैलाइवा को मिक्स करना, मिक्सिंग आप कह सकते हैं, क्या है मिक्सिंग आप सैलाइवा, ये किसका काम है? हमारी टंग का काम है। दूसरा कार्य क्या करता है? ये स्वेलोइंग में मदद करता है, जो फूड हम लेते हैं उसको स्वेलो कराने में ये मदद करता है, मीन्स अंदर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क इसका अभी अभी आपने पढ़ा है क्या है, टेस्ट, ये क्या करते हैं टेस्ट को बताते हैं। ठीक है, टेस्ट का हमें पता क्यों चलता है? क्योंकि इनके पास टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है इनके पास? टेस्ट बर्ड होता है। ठीक है, इसलिए हमको टेस्ट का भी पता यहीं से चलता है। ठीक है, सॉरी। आइए आगे चलते हैं, अगला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है फूड पाइप। क्या पढ़ना है? फूड पाइप, ये अगला पार्ट है फूड पाइप। जब भोजन हम कर लेते हैं, भोजन माउथ में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फूड माउथ में डाइजेस्ट होने के बाद में जब उसकी लुगदी बन जाती है दांत से पीस पीस करके, और उसमें सलाइवा अच्छे से मिल जाता है, पूरा का पूरा फूड जो है गीला हो जाता है, और फिर वो टंग के द्वारा स्वेलो करके कहाँ लाया जाता है, एक नीचे पाइप में लाया जाता है। ये पाइप क्या करता है, फूड को स्टमच तक पहुँचाता है। ठीक है, ये वाली पाइप जो है क्या कहलाती है, फूड पाइप कहलाती है। फूड पाइप आपकी सीधे कहाँ जुड़ जाती है, स्टमच से। ये क्या है, स्टमच है। ठीक है, इसको हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं या फूड पाइप का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? फूड पाइप, सॉरी फूड पाइप का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके थ्रू होकर के फूड आता जाता है। ठीक है, इसलिए फूड पाइप कहलाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। ठीक है, इस पाइप में क्या है, नो डाइजेशन, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, जिससे यहाँ की दीवार क्या होती है, नम बनी रहती है, जिसके थ्रू होकर के फूड इजीली क्या होता है, मूव कर सकता है, और मूव करके यहाँ पर जो स्टमच है जहाँ पर डाइजेशन होना है वहां पर पहुंचता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फूड पाइप या ओइसोफेगस, कई बार इसको ईसोफेगस नाम भी दिया जाता है, ओइसोफेगस और ईसोफेगस दोनों नाम दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, फूड पाइप क्या है, ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस। ठीक है, और ईसोफेगस भी इसका नाम है, ईसोफेगस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फूड पाइप को ही कहा जाता है। इसके बाद फूड पाइप ओपन होता है स्टमच में, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये रीजन, यहाँ से फूड पाइप आके ओपन हो रही है, फिर इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है,
ये स्टमच है, ठीक है ना, ये क्या है, स्टमच है। तो स्टमच में क्या क्या होता है, ये काफी मोटी वाल रखता है, काफी इसमें मोटी वाल होती है और इसमें काफी फोल्ड्स पाए जाते हैं, फोल्ड्स वाले मोड़ होता है, उस मोड़ में काफी मजबूत और काफी मोटी वाल होती है, मस्कुलर वाल होती है, ठीक है, जो कि फूड को चर्ण करता है, मींस रगड़ता है, दो वाल के बीच में फूड जो आ गया है डाइजेस्ट होकर के उसको रगड़ने का काम करता है। और यहाँ पर कई प्रकार के जूसेस सिक्रीट होते हैं, इन जूसेस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। कहाँ पर, स्टमच में जब हम आ जाते हैं, स्टमच में आ गए, स्टमच में जो जूस सिक्रीट होता है उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक जूस। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में सहयोग करते हैं, ठीक है। द स्टमच इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैट एंड, स्टमच इज ए थिक वॉल्ड बैग, फ्लैट एंड यू शेप, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया यू शेप आगे घूम जाता है, एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इधर से आप देख रहे थे, बताया था ये क्या है, फूड पाइप का पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, फूड पाइप है, और इधर क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा, इसके आगे क्या बन जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाएगी, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। एक एंड क्या है, स्टमच का स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, दूसरा एंड क्या है, फूड पाइप, जिससे वो फूड को रिसीव करता है, लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है अपने अंदर डाइजेशन के बाद, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन टू एट द अदर एंड, ठीक है, दिस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमच सिक्रीट्स म्यूकस, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और हर जगह म्यूकस सिक्रीट होता है, माउथ से शुरू होता है और लास्ट इंड तक क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक विशेष सिक्रीशन और होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अलावा यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एसिड सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बड़ा ही खतरनाक एसिड होता है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस, अब ये डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है, पहले बताया आपको, गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है ना। द म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्ट, म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमच, इससे प्रोटेक्ट करता है, एंजाइम जो यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रहे हैं, अगर ये हर चीज को पचाने की क्षमता रखते हैं लेकिन म्यूकस को नहीं पचा पाते, ठीक है, म्यूकस बहुत ही इनएक्टिव होता है, जिसके कारण एसिड का उस पर कोई असर नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव जूस उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसलिए म्यूकस एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, वाल है स्टमच की, इस पर क्या है, एक मोटी सी लेयर किसकी भी जम गई है, म्यूकस इसमें भरा पड़ा है। अब ये म्यूकस जो भरा पड़ा है इसमें चारों तरफ से, इस पे अंदर तो हमारा क्या है, फूड है, फूड में डाइजेस्टिव जूस आ गया तो डाइजेस्टिव जूस इसको पचाएगा, लेकिन यहां से पचाने के बाद फिर जैसे ही वाल के पास पहुंचेगा तो वाल को और क्या कहते हैं, म्यूकस को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि म्यूकस जो है बहुत ही इनएक्टिव होता है, तो इसको म्यूकस को क्रॉस ही नहीं कर पाता डाइजेस्टिव जूस, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो वाल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बस सुरक्षित हो जाती है। अगर यहां से किसी कारणवश म्यूकस की लेयर हट जाए तो डाइजेस्टिव जूस जो है हमारी वाल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो अल्सर बन जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है, इस तरह की शिकायतें हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एसिड का क्या रोल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया हमारे फूड में आ जाते हैं, आप सभी जानते हैं एयर में, वाटर में, हर जगह बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया हमारे फूड में पहुंचते ही पहुंचते हैं, उसको रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो HCl होता है, HCl इस बैक्टीरिया को किल कर देता है, और बैक्टीरिया जब किल हो जाता है तो कुछ कर नहीं पाता और डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विद द स्टमच इन द स्टमच
फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमच एसिडिक, यहाँ पर बहुत मीडियम एसिडिक हो गया बैक्टीरिया इसलिए वहां पर किल हो जाएंगे. डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन. बहुत खास बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस तो कई प्रकार के सीक्रेट होते हैं लेकिन यहाँ पर मेनली सिर्फ प्रोटीन को पचाने वाले क्या होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले डाइजेस्टिव जूस ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं. जैसे पेप्सिनोजेन आदि होता है, नाम तो आपके यहाँ नाम है नहीं इसलिए इसको जानना नहीं है बहुत, ठीक है. तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं. किस मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं. इनको कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, इसीलिए यहाँ पर HCl का सिक्रीशन बहुत आवश्यक है. उस HCl के सिक्रीशन का हमको दो लाभ है, एक तो बैक्टीरिया को किल कर देता है और दूसरे नंबर पर क्या करता है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है. क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है जिसमें ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वर्क कर सकते हैं. अगर मीडियम न्यूट्रल या बेसिक होगा तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यहाँ पर काम नहीं कर सकते. सॉरी. इस तरह से मेनली जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, स्टमच में होता है. प्रोटीन का डाइजेशन मेनली कहाँ पर होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्टमच में होगा. इसके बाद बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अगला पार्ट है. ये वो रीजन है जहां पर मैक्सिमम चीजों का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, जिसलिए हम लोग फीडिंग करते हैं, वो सारी प्रक्रिया यहीं पर होती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले एक यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, जरा उसको देख लेते हैं कि आखिर ये डाइजेशन वगैरह होता कैसे था इस स्टमच में. इसकी खोज जो है एक विशेष साइंटिस्ट, विशेष क्या मीन्स एक साइंटिस्ट ने किया, उनका नाम क्या था, बेओमॉन्ट. क्या नाम था उनका, बेओमॉन्ट ने इस बात की खोज की. लेकिन इनको इसको खोजने का ऐसे ही सौभाग्य अचानक मिल गया कि एक व्यक्ति था, क्या कह सकते हैं, वो सैनिक था, जिसका नाम क्या था, एलेक्सिस स्टीफन मार्टिन, जिनको गोली लग गई थी, ठीक है. बुलेट तो उन्होंने निकाला और उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन ट्रीटमेंट में कुछ कमी रह गई जिसके कारण होल जो है भर नहीं पाया. उनका होल क्या रहा, ओपन रह गया, खुला रह गया. बाकी चीजें तो उन्होंने ठीक कर लिया लेकिन होल जो है थोड़ा सा इस जगह पे आप देखिए दिखाया गया है बना रह गया. तो उन्होंने क्या किया, भोजन वगैरह के डाइजेशन के लिए धागे में भोजन का पाउच बना करके कपड़े में लपेट करके इसमें क्या करते थे, स्टमच के अंदर डाल देते थे और देखते थे कि स्टमच में बहुत सारा जूस सिक्रीट हो रहा है जो उस भोजन को पचा रहा है. धीरे धीरे भोजन पच जाता था और फिर जो भोजन उसमें डाले रहते थे बांध करके वो सब बाहर आ जाता था, ठीक है. उस मीन्स उसको बाहर निकालते थे तो भोजन सब अंदर पच करके निकल जाता था और वो पोटली खाली हो जाती थी उनकी, जो थैली में बना करके डालते थे थैली खाली हो जाती थी, वो बाहर ले आते थे जब. इस तरह से उनको ये पता चला स्टमच में विभिन्न प्रकार के केमिकल सीक्रेट होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं, ठीक है. एक अमेरिकन डॉक्टर थे विलियम बेओमॉन्ट. इस तरह का उन्होंने केस देखा और एक खास बात देखी कि जो स्टमच होता है वो चर्निंग करता है, मीन्स उसकी वाल जो है एक दूसरे पर क्या करती है, ऐसे रगड़ती है, ठीक है. वाल क्या करती है, आपस में एक दूसरे पर घिसती है, तो उस घिसने के कारण जो फूड मैटर है वो और चर्न करता है और भी छोटा और बारीक हो जाता है, ठीक है. ये घटना उन्होंने इसमें देखी थी, इसके बारे में उन्होंने पहली बार बताया और कुछ पता चला कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है. अब आगे आइए हम लोग को. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स हैं दिया गया, जरा देख लेते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ उन्होंने बताया है
कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सॉरी कौन कौन से जूसेस आते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। जबकि इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। इन सब चीजों की चर्चा हम लोग फिर कभी आगे अगली क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन कौन से जूसेस आते हैं बेसिकली, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जूस जो आता है लीवर सेल का आता है, ठीक है। लीवर से बहुत सारे सिक्रीशन यहाँ पे सिक्रीट होके आते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और एक ग्लैंड होती है जिसमें इस सिक्रीशन को इकट्ठा किया जाता है, गाल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो गाल ब्लैडर में क्या भरता है, बाइल। ये बाइल कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, लीवर से। लीवर बाइल को बनाता है, लीवर बाइल को बनाता है, और बाइल को भेज देता है किसके पास, गाल ब्लैडर के पास, कि गाल ब्लैडर तुम इसको संभाल के रखो, जब डाइजेशन की जरूरत होगी तो तुम ये बाइल जूस को सिक्रीट कर देना, ठीक है। और बाइल जूस मेन काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स जो हम लोग चिकनी चीजें खाते हैं, अगर ये बाइल जूस ना बने तो फैट का डाइजेशन हो ही ना पाए, ठीक है। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन होता है लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है। ये दोनों ही आर्गन्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आर्गन लीवर है, और गाल ब्लैडर में सिक्रीशन आकर के जो है क्या है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और जब डाइजेशन की जरूरत में, जब हमारे फूड में फैट्स काफी मात्रा में आता है, तो ज्यादा मात्रा में बाइल जूसेस गाल ब्लैडर सिक्रीट कर देता है, और जिससे हम फैट्स को आसानी से पचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी ग्लैंड, एक आपने ग्लैंड देखा लीवर से सिक्रीशन आ रहा है यहाँ पर, जो कि गाल ब्लैडर के थ्रू होकर के पहुंचता है। दूसरा सिक्रीशन यहाँ पर महत्वपूर्ण आता है पैंक्रियाज ग्लैंड से। एक ग्लैंड है जो लीफ लाइक ग्लैंड है, ठीक है। तो ये ग्लैंड लोकेट जस्ट बिलो द स्टमच, स्टमच के ही नीचे, यहाँ पर स्टमच के नीचे पाया जाएगा, और शेप कैसा होगा, लीफ लाइक होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे सिक्रीशन आता है, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक जूस। क्या नाम देंगे, मींस जिस ग्लैंड से जो सिक्रीशन आ रहा है उसका वही नाम रख दिया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस गाल ब्लैडर से आता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स पाए जाती हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, जो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर कराते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड, पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स एज ऑन कार्बोहाइड्रेट्स पर वर्क करता है, फैट्स पर वर्क करता है, और प्रोटीन जो बचे रह गए थे वहां नहीं बचे थे, कहाँ पर, स्टमच में, उन पर इसका एक्शन होता है, और पूरा का पूरा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और यहाँ तक कि यहाँ एक नाम नहीं दिया गया है, डीएनए आरएनए को भी ये पचाते हैं, उनको भी पचाने वाले एंजाइम इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। ये एब्जॉर्प्शन कैसे इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा चार पांच स्टेप बताया गया। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होगा भोजन का, इंजेस्ट करना, फिर इंजेस्ट करने के बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर डाइजेस्ट करने के बाद क्या करना है भाई, अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल टूट गए जिनको हमारी शरीर ले सकती है, तो एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन करना है मींस हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया है, उनको अब क्या करना है, सेल के अंदर आना है, और फिर सेल से होकर के मींस एलिमेंट्री कैनाल की सेल के अंदर आएगा, फिर वहां से होकर के ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से होकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये जो ब्लड में एब्जॉर्ब होना और ब्लड से होकर के पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल के द्वारा उपयोग करना है, उसके लिए एक अलग टर्म आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद की घटना है, एसिमिलेशन बोला जाता है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके कहाँ गया, ब्लड में गया, और ब्लड फिर ले जा करके पूरी बॉडी में फैला करके हर सेल को दे देता है, और सेल उसको क्या करती है, सेल के द्वारा यूटिलाइज करना, उस न्यूट्रिएंट्स का सेल जो है यूटिलाइज करती है,
तो ये यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब आइए देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो हमारी वाल होती है एलिमेंट्री कैनाल में इस्तेमाल होती है वाल, इसमें ये मान लीजिए वाल है, ठीक है, तो वाल का जो इनर लेयर होती है वो इस तरह के फोल्ड्स बनाती है, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ एरिया बढ़ जाता है और यहाँ पर प्रत्येक सेल में क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है और फिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड कैपलरीज होती हैं जो फिर आगे मिलकर के बड़ी ब्लड कैपलरीज बनाती हैं और इससे होकर के फिर पूरी बॉडी को क्या है ब्लड पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं विलाई, ठीक है। तो आइए यहाँ देखा जाए पास इनटू द, थोड़ा साइज बड़ा ही करते हैं, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें जाना है क्योंकि वो पूरी शरीर को फैलाया जाना है। तो ये जो प्रोसेस है कि एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाना, यही क्या कहलाता है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक, ध्यान रखिएगा इंटेस्टाइन यही से इसकी डेफिनेशन में मिले, द स्मॉल इंटेस्टाइन है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं, ऐसे आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है बिली, सिंगुलर बिलस, और इससे जो है एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब हो जाते हैं मैटर्स, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाई का काम क्या है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, विलाई का कार्य क्या है यह ध्यान रखिएगा सरफेस एरिया बढ़ा देना ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो सके, सॉरी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन या सॉरी एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है ना, क्योंकि इसका कार्य ही क्या है एब्जॉर्प्शन कराना है, तो डाइजेस्टिव फूड का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करा सके। तो बीलस हैज इंटेंस नेटवर्क, बहुत ही घना नेटवर्क रखता है, किसका नेटवर्क रखता है भैया ब्लड वेसल का रखता है, ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल, और फिर ये बड़ी ब्लड वेसल से जुड़ करके पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती हैं, क्लोज टू इट्स सरफेस, जो कहां पर इंड हो जाती है इसी विलाई में इनका इंड भी हो जाता है और यही इनका एब्जॉर्ब होकर के फिर पिछले इंड पर जो कि ओपन होता है उधर जाता है। सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस क्या होगा फिर ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, हर पार्ट में पहुंचाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे लिपिड हो, उन सबको बनाया जाएगा। तो सेल जब इन सब चीजों का निर्माण करती है, मीन्स प्रोटीन अपने हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट लिपिड हो या डीएनए आरएनए, ये सारी चीजें जो बनाने की प्रक्रिया है फिर वो क्या कहलाएगा बेटा एसिमिलेशन कहलाएगा, मीन्स यूज न्यूट्रिएंट्स का यूज करना सेल के द्वारा क्या कहलाता है एसिमिलेशन कहलाता है। ये बताया तो एसिमिलेट कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा, क्या यूज करना है, तो हमारी सेल के निर्माण में यूज होना है। हमारी सेल किससे बनती है प्रोटीन से बनती है, हमारी सेल किससे बनती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स डीएनए आरएनए, इन्हीं सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें आपको क्या होता है आसानी से बना लेती है आपकी सेल जब ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है एसिमिलेशन कहलाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, दूसरा एक और घटना होता है एसिमिलेशन के अलावा, मीन्स जो उपयोग है इस उपयोग में अभी तक जो हमने उपयोग देखा था बड़े मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए गए, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है एक घटना और होती है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया जाता है और भी छोटा कर दिया जाता है। अभी तक हमने छोटा किया था कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल करके छोटा, अब ग्लूकोज को भी छोटा करते हैं, ऑक्सीजन के साथ उसको जला देते हैं, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वाटर बन जाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है रेस्पायरेशन कहलाती है बेटा। रेस्पायरेशन होता है और हमको क्या मिलती है इनर्जी मिल जाती है, ठीक है, इनर्जी रिलीज होती है और इसी इनर्जी से हम काम कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी यदि कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है बची रह गई है तो उसका क्या किया जाना है, वो फिर कहीं पर कलेक्ट किया जाएगा, उसके कलेक्शन के लिए क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, छोटी होती है लेकिन क्या होती है बहुत ही चौड़ी मोटी होती है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ,
इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर। हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इनका काम क्या है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, बाकी और सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लेकिन अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आकर कोई चीज एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं बचता है। सिर्फ दो चीजें यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं, एक क्या होता है वाटर और दूसरे नंबर पर मिनरल होता है या साल्ट, यहाँ पे कह रहे हैं साल्ट ही सिर्फ नहीं है, मिनरल्स कह लीजिए, सभी प्रकार के मिनरल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और जो बाद में रिमेनिंग वेस्टेज है वो पास आउट कर दिया जाता है रेक्टम के थ्रू। रेक्टम पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, पीछे फिगर में दिखाया गया था। देयर सेमी सॉलिड फासेस, ठीक है, सेमी सॉलिड फासेस के रूप में ये शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं, रिमूव थ्रू द एनस। सबसे लास्ट ओपनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्टार्टिंग ओपनिंग क्या थी, माउथ थी, लेकिन लास्ट ओपनिंग क्या है, एनस है, जिसके थ्रू होकर के सेमी सॉलिड फासेस, सेमी सॉलिड फासेस क्या होते हैं, जिसको हम फीकल मैटर बोलते हैं, वो बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है। अभी तक आपने देखा था एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन के बाद भी सबसे लास्ट स्टेज डाइजेशन की क्या है बेटा, इजेशन, मींस मैटर जो कि अनडाइजेस्टेड है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, बाहर, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है एनस के थ्रू, वो क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है। फिर अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में थोड़ा सा एक अलग स्टेप होता है, रूमिनेशन की प्रोसेस के बारे में, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो देखिए ध्यान से, कई बार रिपीट करके देखिए, सब्सक्राइब और लाइक भी करिए, हम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।